हेलो दोस्तों, आज हम आपको दिखाते हैं खेत में चाय कैसे बनाई जाती है। तो चलिए पहले हम सबसे पहले जाते हैं बकरी के पास, उसका दूध का एक गिलास भर के लेके आएंगे। चुके हैं बकरी के पास और अब हम इसका निकालेंगे दूध। तो आइए देखते हैं दूध कैसे निकाला जाता है इसका। जैसा कि आप देख रहे हैं चूल्हे के पास लकड़ियां बहुत ही कम है, तो सबसे पहले हमें लकड़ियों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो चलिए पहले लेके आते हैं कुछ लकड़ियां तोड़ के। ये इसको आप जानते होंगे, इसको हम मारवाड़ी में सीढ़िया बोलते हैं और ये अपने चूल्हा जलाने में सबसे कारगर साबित होता है। बारिश के खासकर बारिश के मौसम में इसी से जलाई जाती है आग। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको पहले ऐसे तोड़ मरोड़ के भिड़ा कर लीजिए। इस पे थोड़ी पहले छोटी छोटी लकड़ियों को पहले से ही तोड़ के रख लो, ताकि आज के टाइम पे जल्दबाजी ना करनी पड़े। छोटी ऐसी तोड़ तोड़ के ऊपर डाल दो, बाद में माचिस लाकर इसको आग जला दें। हमारा स्टोर रूम बोले तो इसमें चाय चीनी सब बर्तन वर्तन इसी में रखते अपन खेत में है। तो ये है हमारी चीनी का डब्बा और ये है चाय का डब्बा और इसी में हम रखते हैं माचिस, ताकि बरसात के मौसम में भीगे ना। और अब हमने निकाल लिया माचिस और इसको तैयार करते हैं, देखते हैं एक बार में जलती है कि नहीं जलती है। तो ये देखो एक ही तिली में पूरी आग तैयार हो गई चूल्हे की और हम इसको वापस रख देते हैं। अब हम लाते हैं अपना चाय बनाने का बर्तन और ये रहा अपना भगोना जिसमें हम बनाएंगे चाय। पहले इसको थोड़ा अच्छे से साफ कर लेते हैं। तो अब इसमें पहले डाल लेते हैं थोड़ा सा पानी, हमको जितनी चाय बनानी है उसके हिसाब से पानी डालकर इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया जाएगा ऐसे। आप देख सकते हैं हमारे चारों ओर बारिश का पूरा मौसम हो रखा है और ऐसे मौसम में चाय बनाना बहुत मुश्किल होता है, वो आप अंदाजा लगा सकते हो। अगर आप खेती बाड़ी करते हो तो खेत में बारिश आ जाए तो चाय बनाना कितना मुश्किल होता है, आग भी ठीक से नहीं जल पाती है। अब जो हम दूध लेकर आए थे बकरी का वो डाल देते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा पानी वानी डाल के उसको साफ करके उसमें चाय की मात्रा को बढ़ा देते हैं ताकि चाय बराबर पाती आ जाए। लकड़ियाँ सिली है तो उसकी थोड़ी दिक्कत हो रही है चाय में, लेकिन अब 5 मिनट और लगेंगे बनने वाली है। आप देख सकते हैं चाय का कलर आने लग गया है, कोशिश करो बरसात के आने से पहले पहले बन जाए। ऐसे जलाई जाती है आग बार बार पूछने से, फूंक मारनी पड़ती है। गैस नहीं है कि बटन चालू किया तेज कर लिया कम कर लिया, इधर फूंक लगानी पड़ती है। ये लगभग तैयार हो चुकी है। ये रहे हमारे दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे कप और ये रहा हमारा छोटा सा जरिया, इसको पहले थोड़ा पानी से धो लेते हैं, रात का पड़ा हुआ है इधर, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, मिट्टी विट्टी लगी हुई है। तो हमारी चाय जो है बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है, इसको तलनी से छान लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी टेस्ट चाय बन रही है, इसको बहुत मस्त आ रही है इसकी। आप होते इधर तो आपको पिला के दिखाता मैं। बहुत ही कड़क बनी है चाय के कलर से पता लगा सकते हो, आप देख सकते हो।